नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भार्गव। नो इंट्रो नो टाइम पास, डायरेक्ट काम की बात। तो अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता होगा कि मैं इस चैनल पे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास के रिव्यूज़ करता रहता हूँ। और आज आपके लिए मैं लाया हूँ दुनिया का सबसे सिंपल और ईजी टू यूज़ सीसीटीवी कैमरा, जो ये रहा। तो दोस्तों, ये हो गया दुनिया का सबसे सिंपल और ईजी टू यूज़ सीसीटीवी कैमरा। और इसका जो इंस्टॉलेशन है एकदम ईजी है, एकदम मक्खन है। मतलब कोई बच्चा भी इसको इंस्टॉल कर लेगा, क्योंकि ये देखने में एक बल्ब जैसा है। और इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो भी एक नॉर्मल बल्ब जैसा ही है। मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये हो गया एक बल्ब और ये हो गया एक सीसीटीवी कैमरा। और इसका ऊपर का हिस्सा आप देखिए, दोनों सेम है, जो कोई भी इंडियन होल्डर पे फिट हो जाता है। जैसे कि ये वाला हो गया एक इंडियन होल्डर, तो इसको मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ अभी। तो देखिए, ये फिट हो गया है होल्डर पे। ठीक वैसे ही इस बल्ब को निकाल देता हूँ मैं। उसके बाद ये वाला जो सीसीटीवी कैमरा है, इसको मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ अभी। तो देखिए, अभी ये कैमरा भी इंस्टॉल हो चुका है। तो इसका इंस्टॉलेशन इतना इजी है, मतलब सब्जी वाला भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सब्जी वाला का जो थैला होता है उसमें भी ऐसा होल्डर होता है, उसमें भी लगा सकते हैं। मतलब इसको आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एकदम इजी है। और इसको यूज़ करने के लिए आपको इसके अंदर एक मेमोरी कार्ड डालना पड़ेगा, और उसी में ही वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा। और इसके लाइव प्रीव्यू को देखने के लिए और इसका जो पुराना रिकॉर्डिंग है, प्लेबैक है, उसको देखने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन पे एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके अलावा में वाईफाई कनेक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि यह है एक वाईफाई सीसीटीवी कैमरा। अगर आपके घर पे ब्रॉडबैंड वाईफाई है तो बढ़िया है, आप उससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर पे नहीं है तो आप इस टाइप का वाईफाई 4G डोंगल ले सकते हैं, नहीं तो इस टाइप का 4G वाईफाई राउटर ले सकते हैं। इन दोनों पे आप कोई सा भी 4G सिम डाल सकते हैं और आपके घर को वाईफाई एनेबल्ड बना सकते हैं। अगर आपको यह सब लेना नहीं है, मतलब इसको आपको इंटरनेट वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना है, तब भी ये कैमरा काम आता है। मतलब इस कैमरा से भी वाईफाई निकलता है, जिसको लोकल एपी हॉटस्पॉट बोला जाता है। उसको आप अपने मोबाइल पे कनेक्ट करना है, उसके बाद इस कैमरा को आप विदाउट इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे आप इस कैमरा से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक बार इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं, तब आप इसको दुनिया के कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसको दिल्ली पे लगाया है, तब आप मुंबई से देख सकते हैं। अगर दुबई पे लगाते हैं तब इंडिया से देख सकते हैं। उसके अलावा इस कैमरा में बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि ये हो गया एक PTZ कैमरा। मतलब इसका नीचे का जो हिस्सा है ये ऐसे दाएं बाएं घूम सकता है, उसके बाद ऊपर नीचे भी हो सकता है। उसके अलावा इसमें माइक और स्पीकर भी है, इसके वीडियो में ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है। और इस कैमरा के सामने जो भी खड़ा है उसके बात को आप सुन पाएंगे और उससे बात भी कर पाएंगे। उसके अलावा इसमें नाइट विजन है, रात में चाहे जितना भी अंधेरा हो ये साफ साफ रिकॉर्डिंग करेगा। कलर नाइट विजन भी है, लेकिन ये आउटडोर कैमरा नहीं है, ये इंडोर कैमरा है। तो अगर इसमें पानी गिरेगा तो खराब हो जाएगा, तो इसीलिए इसको आपको घर के अंदर ही लगाना है। उसके अलावा ये एक मेड इन इंडिया कैमरा है, जो आता है 1 ईयर के वारंटी के साथ। और इसका जो प्राइस है वो है सिर्फ 1970 रुपीज। तो अगर आपको इस कैमरा को खरीदना है तो इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस टाइप का सेम टू सेम देखने वाला और भी कैमराज आपको मिलेंगे, जिनका दाम थोड़ा सा कम होता है। दोनों देखने में सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये वाला हो गया, ये नॉर्मल होल्डर पे फिट हो जाता है। ये वाला जो कैमरा है इसमें भी होल्डर आता है, लेकिन ये जो होल्डर है ये इंडियन होल्डर नहीं है। और इस होल्डर पे इस कैमरा को ऐसे घुमा घुमा के डालना पड़ेगा, तभी ये फिट होगा। लेकिन इस कैमरा के साथ आपको ये वाला होल्डर भी मिल जाएगा, तो कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन जो कि इस कैमरा का ऊपर का हिस्सा डिफरेंट है, इसीलिए आप इसको ऐसे नॉर्मल इंडियन होल्डर पे नहीं लगा सकते हैं। तो मार्केट पे इस टाइप का दो अलग अलग टाइप का बल्ब कैमराज मिलते हैं। मैंने इसका ऑलरेडी रिव्यू किया है, इसका दाम कम है, आप ले सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह वाला दुनिया का सबसे सिंपल और इजी टू यूज सीसीटीवी कैमरा है। तो आज मैं इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ, साथ ही इसका जो ऐप है उसको डाउनलोड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, उसके बाद इसको यूज करके दिखाएंगे। और इसका जो वीडियो सैंपल है डे एंड नाइट का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो ये हो गया बॉक्स, और कंपनी का नाम है IFI टेक। और इनका जो कैमरा है बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका बॉक्स बहुत ही घटिया है। जो भी हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है मेड इन इंडिया। उसके बाद आपको इस साइड में कंपनी का फोन नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए अभी करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो सबसे ऊपर मिला है वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल। उसके बाद एक पाउच मिला है, और पाउच के अंदर कैमरा है। तो ये वाला हो गया कैमरा। तो और बॉक्स में कुछ नहीं है। एक्चुअली इस कैमरा के लिए कुछ जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये एक प्लग एंड प्ले प्रोडक्ट है।
तो ये हो गया कैमरा का सामने का हिस्सा, बीच में ये वाला हो गया लेंस, और लेंस के चारों तरफ ये सब हो गया IR लाइट्स नाइट विजन के लिए। उसके अलावा इसमें LED लाइट्स भी है कलर नाइट विजन के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला हो गया माइक, उसके बाद पीछे ये वाला हो गया स्पीकर, उसके बाद नीचे यहाँ पे ये वाला हो गया माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, और ये वाला रिसेट का बटन। तो चलिए अभी इस कैमरा पे एक मेमोरी कार्ड डाल लेते हैं। ये है एक 32 GB का माइक्रो SD कार्ड, आप 64 GB का भी डाल सकते हैं। तो इसको ऐसे डाला जाता है, आपको सिर्फ पुश करना है और यहाँ पे ये फिट हो जाता है, और निकालने के लिए फिर से पुश करने से ये निकल आएगा। लेकिन इसको बार बार निकालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो रिकॉर्डिंग हो जाएगा उसको आप मोबाइल ऐप से देख सकते हैं। तो चलिए अभी इसमें पावर देते हैं और इसके ऐप को डाउनलोड करते हैं। तो लगा दिया है, देखिए इसमें भी लाइट जलना शुरू हो गया है। तो अभी ये जो कैमरा है इसमें से कुछ वॉइस आएंगे और ये वाला जो हिस्सा है ये घूमेगा। देखिए घूम रहा है। तो अभी आपको अपने स्मार्टफोन पे एक ऐप डाउनलोड करना है, और जो ऐप है उसका नाम है V380 लाइट। पहले V380 प्रो था, वो फिलहाल काम नहीं कर रहा है, इसीलिए आपको यूज़ करना पड़ेगा V380 लाइट, जो गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। आपको इसको डाउनलोड करना है, उसके बाद इसमें एक अकाउंट बनाना है। तो जो कि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया है, तो चलिए अभी इस ऐप को ओपन करते हैं। तो ये वाला हो गया ऐप का इंटरफेस, और यहाँ पे ये जो दिखा रहा है ये अलग अलग कैमराज दिखा रहा है। मैंने जितने भी कैमराज इंस्टॉल किए थे सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन अभी बाकी कैमराज ऑफलाइन है। तो यहाँ पे नया कैमरा ऐड करने के लिए आपको टैप करना पड़ेगा ऊपर में जो प्लस आइकन है वहाँ पे। तो उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है वाईफाई स्मार्ट कैमरा, उसके बाद AP हॉटस्पॉट कनेक्शन। तो अभी मेरे घर का जो वाईफाई है उसको कनेक्ट करने के लिए बोला है, तो मेरा घर का ब्रॉडबैंड का वाईफाई ये है, उसके पासवर्ड को डालना पड़ेगा, उसके बाद कंफर्म करना पड़ेगा। अभी इस स्टेप में इस कैमरा से जो वाईफाई निकलता है उसको कनेक्ट करने के लिए बोला है, तो टैप करेंगे कनेक्ट ऐप स्पॉट पे। तो यहाँ पे बोला है इसके वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद दोबारा इस ऐप में आने के लिए बोला है, तो मैं टैप कर रहा हूँ INO पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो MV61823 है ये वाला इस कैमरा का वाईफाई है, तो अभी इसको सिलेक्ट करना है। तो कनेक्ट हो चुका है, अभी इसको कीप करेंगे। और यहीं पे मैं आपको बोल देता हूँ कि आपको ये सेटअप करने के टाइम पे मोबाइल का जो GPS है उसको ऑन करना पड़ेगा। तो ये देखिए मेरा मोबाइल का GPS ऑन है, अभी बैक जाएंगे तो कनेक्शन हो रहा है। अभी तो वाईफाई कनेक्टेड बोला है, मतलब मेरे घर के ब्रॉडबैंड के साथ ये कैमरा कनेक्ट हो चुका है। तो देखिए कंप्लीट हो गया है, अभी इसका नाम देना है। तो मैं नाम दे रहा हूँ होम, उसके बाद फिनिश करेंगे। तो अभी ऊपर में ये वाला कैमरा आ गया है। तो ये जो प्ले आइकन है यहाँ पे टैप करने से इस कैमरा का लाइव प्रीव्यू देखने को मिलेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम पे आपको एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा इस कैमरा के लिए। तो मैंने इस कैमरा के लिए एक पासवर्ड सेट कर लिया है, तो अभी करेंगे कन्फर्म। तो सेटअप कंप्लीट हो चुका है, अभी यहाँ पे टैप करेंगे तो इस कैमरा का लाइव प्रीव्यू देखने को मिलेगा। तो ये देखिए अभी कैमरा लाइव है, देखिए। तो अभी अगर मैं इस कैमरा को घर पे लगाता हूँ और इस मोबाइल फोन को मैं बाहर लेके जाता हूँ तब भी मैं इस कैमरा को एक्सेस कर सकता हूँ, जो कि अभी ये कैमरा मेरे घर के वाईफाई के साथ कनेक्ट है, तो इसीलिए डिस्टेंस का कोई लिमिट नहीं है। मैं इस कैमरा को इंडिया पे लगा के अमेरिका से भी एक्सेस कर सकता हूँ और लाइव देख सकता हूँ। तो जैसे कि इसका इंस्टॉलेशन एकदम ईजी है, वैसे ही इसका सेटअप भी एकदम ईजी है। तो ये हो गया इसका ऐप। तो चलिए इस ऐप में क्या फीचर्स है वो भी देख लेते हैं। तो ये वाला हो गया प्रीव्यू स्क्रीन, यहाँ पे आपको कैमरा का लाइव प्रीव्यू देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे ये वाला जो व्हील है ये पेन एंड टिल्ट का, इससे आप कैमरा को घुमा सकते हैं। देखिए कैमरा घूम रहा है, उसके बाद ऊपर नीचे करेंगे, देखिए नीचे हो गया ऊपर हो गया। तो इससे आप कैमरा को दाएं बाएं घुमा सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो आइकन है ये अलार्म का है, मतलब इस कैमरा से साइरन भी बजता है। चलिए इसको दबा के देखते हैं। तो अभी कैमरा ने बोला है अटेंशन यू आर अंडर सर्वेलेंस, तो ऐसे ये बोलेगा जब इसके सामने कोई आ जाएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे स्नैपशॉट का ऑप्शन है, इससे आप चोर का फोटो ले सकते हैं। उसके बाद ये वाला हो गया रिकॉर्डिंग, इसको दबाने से आपके स्मार्टफोन पे वीडियो सेव होना शुरू हो जाएगा। वैसे इस कैमरा पे जो मैंने माइक्रो SD कार्ड डाला था उसमें तो रिकॉर्डिंग हो ही रहा है। ये दूसरा ऑप्शन है, आप ऐसे भी वायरलेसली रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको स्मार्टफोन पे फ्री स्पेस चाहिए होगा। उसके बाद यहाँ पे एक माइक का आइकन है, इसको दबा के आप कैमरा के सामने जो भी खड़ा है उनसे बात कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं रिप्ले। तो रिप्ले में टैप करने से आपको क्लाउड सेटिंग्स मिल जाएगा, लेकिन क्लाउड में रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा, लेकिन जो कि इसमें मेमोरी कार्ड लगा हुआ है तो मेमोरी कार्ड का रिकॉर्डिंग भी आप यहां से देख सकते हैं। तो ये जो है ये पुराना रिकॉर्डिंग है, देखिए ये पुराना अभी प्लेबैक प्ले हो रहा है।
और जैसे कि मैंने आपको बोला था इसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड होता है, तो अभी आपने जो सुना वो इस वीडियो से आ रहा था। उसके बाद आप प्लेबैक को डेट वाइज भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया कैलेंडर, तो आप पुराना किसी भी डेट का वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये था प्लेबैक। उसके बाद यहाँ पे है मोर, तो मोर पे आपको लाइट कंट्रोल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप लाइट को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं और ऑटो पे रख सकते हैं। ऑटो पे रखने से ये लाइट रात को ऑटोमेटिक जलेगा और सुबह को ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोशन ट्रैकिंग है, इसको ऑन करने से कैमरा के सामने अगर कोई आएगा तो कैमरा ऑटोमेटिक उसके तरफ पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए अभी कैमरा ऑटोमेटिक घूम रहा है क्योंकि अभी कैमरा मुझे ट्रैक करने का ट्राई कर रहा है। तो मान लीजिए अगर आपके घर पे चोर घुसता है तो ये कैमरा ऑटोमेटिकली चोर को ट्रैक करेगा। तो मैंने आपको नीचे का फीचर्स बता दिया है, चलिए ऊपर देखते हैं क्या क्या है। तो ऊपर में यहाँ पे एक स्पीकर का आइकन है, इसको ऑन करने से कैमरा के सामने जो भी खड़ा है उनके बात को आप सुन सकते हैं। उसके बाद ये वाला हो गया क्वालिटी सेंस करने के लिए, पहले SD था अभी HD हो गया है। उसके बाद ये वाला हो गया स्प्लिट स्क्रीन का आइकन, इसको दबाने से स्क्रीन चार हिस्सों पे बच जाता है और ये तब काम आता है जब आपने चार कैमरा लगाया हो, लेकिन जो कि अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही कैमरा है तो एक ही दिख रहा है। उसके बाद इस बटन को दबा के आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं और फुल स्क्रीन पे भी आपको सभी कंट्रोल्स मिल जाएगा, सिर्फ आपको एक बार टैप करना है और सभी कंट्रोल्स मिल जाएगा। तो चलिए अभी देखते हैं इस कैमरा के सेटिंग्स को। तो सेटिंग्स पे जाने के लिए आपको बैक चलना पड़ेगा और उसके बाद कैमरा का जो थंबनेल है वहाँ पे ऊपर में 3 डॉट है, वहाँ पे टैप करके आपको सेटिंग्स मिल जाएगा। तो ये सब हो गया कैमरा का सेटिंग्स। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है नेटवर्क सेटिंग्स। तो नेटवर्क सेटिंग्स पे आपको मिलेगा IP हॉटस्पॉट मोड और वाईफाई स्टेशन मोड। तो ये जो वाईफाई स्टेशन मोड है इससे आप इस कैमरा को दुनिया के कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, और ये जो IP हॉटस्पॉट मोड है इसके लिए आपको इंटरनेट का जरूरत नहीं है। लेकिन उस टाइम पे आप इस कैमरा से ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, मान लीजिए 20-30 मीटर या 50 मीटर जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है। तो रिकॉर्डिंग सेटिंग्स पे आपको कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग मिल जाएगा और का क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सब हो गया इस कैमरा का सेटिंग्स। उसके अलावा आप इस कैमरा को शेयर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको शेयर बटन मिलेगा सेटिंग्स के ऊपर। तो इस कैमरा को आप अपने परिवारजनों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, मतलब एक कैमरा को आपके घर के सभी मेंबर यूज कर सकते हैं अलग अलग स्मार्टफोन से। तो ये था इस कैमरा का ऐप और इस कैमरा के फीचर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो मैं अभी इस कैमरा को कहीं पे इंस्टॉल करूंगा और इसके डे एंड नाइट का वीडियो सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए
अभी बताइए आपको ये वाला सीसीटीवी कैमरा कैसा लगा। मुझे पता है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा, तो अगर आपको ये लेना है तो इसको खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसका दाम है 1970 रुपीज़, लेकिन उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है। और ये आता है 1 ईयर वारंटी के साथ। अगर 1 ईयर के अंदर ये ख़राब हो जाता है तो कंपनी वाले इसको आपको रिपेयर करके देंगे, और अगर रिपेयर नहीं होता है तो आपको एक नया कैमरा मिल जाएगा। तो कोई भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, अभी इसको ऑर्डर कीजिए। और अगर आपको ये वाला कैमरा लेना है तो इसको भी खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, काम का लगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह के यूजफुल प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी से मिलते हैं एक दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।